नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना बिगुल बचाएगी, कांग्रेस अपना बचाएगी, हम इंडिपेंडेंट होंगे, अपना चलेंगे, फिर हमें मकसद पूरा नहीं होने वाला है। इस टाइम पे मैंने पुरजोर अपील की बीजेपी के चंद भाइयों से, और वो मौजूद भी है, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। वो इसलिए क्या कि हम मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं, जिन्होंने पुंछ और रजौरी को रिजर्वेशन दी उनके खिलाफ हम क्यों हैं भाई? नालायकी हमारी है कि हम बात पहुंचा नहीं सके। बेशक उन्होंने अगर 1972 में स्टार्ट की थी जंग, आज जीतने के कतार में पहुंचे, अब हम जागेंगे ही नहीं तो घर आके तो कोई नहीं देगा। दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, लेकिन माँ भी दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोएगा। हम बोलेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे, बात बनेगी कैसे? अमित शाह जी को चटी पड़ी है, गुलाबगढ़ आके हमारी बात करेंगे? या उसको सपना आएगा गुलाबगढ़ बैकवर्ड है, गुलाबगढ़ में एजुकेशन नहीं है, गुलाबगढ़ में हेल्थ सेक्टर नहीं है? या उसको सपना आएगा हमारा कल्चर पूंछ रजौरी के साथ मिलता है? हमें बताना है तब जाके उनको समझ आएगी। फिर अगर नहीं देंगे फिर हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, फिर हम उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले जाए तो सही, बताए तो सही, घर से बाहर निकले तो सही। बिल्कुल, किसी को लगता हो आयात पर्सनल कोई जंग लड़ना चाहता है, मुझे पर्सनल लड़ाई कोई नहीं, मैं चाहता हूं हमारी जो कौम, हमारी जो 100 साल के लिए दबने के लिए जा रही है उसको जगाए। इसलिए खुदारा दरख्वास्त है मलिक साहब से कि आप आए लीड करें, हम छाना बचाना साथ चलेंगे। फिर भी बोलता हूं अगर किसी को यह लगता है कि नहीं हम इकट्ठे होकर नहीं चल सकते, आप अलग अलग चले, लेकिन मुद्दा एक रखें। आप अपनी पार्टी के पास मुद्दा रखें कि भाई पार्टी रिजर्वेशन अगर पुंछ रजौरी को मिल सकती है हमें क्यों नहीं मिल सकती भाई? हमने कौन सा गुनाह किया है? कौन सी डेवलपमेंट है यार? आज भी हमारी माई बहने बगैर इलाज के डिलीवरी केस में मर जाती है। डिलीवरी केस वो कोई बीमारी नहीं होती, वो खुशी की चीज होती है, उसका इंतजाम नहीं है, एक्सरे नहीं कर सकते मोहर में, अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमें यहां से जम्मू जाना पड़ता है, 5,000 खर्चा होता है, 300 रुपए एक्सरे के लिए। हम बोलते हैं हम डेवलप है, किस तरीके से डेवलप है? मुझे आज आप लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत सारे जैसे ताहिर भाई बार बार सवाल कर रहे थे, क्योंकि इनके दिल में बात है कि भाई क्या किया है, कैसे किया है, क्या करना है, क्यों हम इस तरीके से। मैं वही जवाब देने के लिए आ जाए। हमने एक टाइम पे चंद महीने पहले चुनाव पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट स्टार्ट की इस गर्व से कि पुंछ रजौरी अगर पहाड़ी है, पुंछ रजौरी को अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो चुनाव वैली को क्यों नहीं मिल रही है? और मेरी लगाई हुई आप डोडा, रामबन, किश्तवाड़, दक्षिण मड़वा में जल गई, लेकिन अपने इलाके को नहीं जला पाई, अपने इलाके को रोशन नहीं कर पाई। अफसोस नहीं होगा मुझे? इस टाइम आरजे पिशेर आग बगोला क्यों हो रहा है? इसको दुख है, दुख मुझे भी है, लेकिन इस टाइम पे हमें वो दुख बाहर नहीं निकालना है, हमने इकट्ठे करना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बात करनी, हमने दावत देनी है। जैसे चंद भाई एनसी के भी बैठे हुए यहां, वो जाए मलिक साहब का, नहीं मलिक साहब आप लीड करो, आपकी बड़ी कदर है, शेर गुलाबगढ़ कहा जाता है, हम तो चाहते हैं वो शेर ही रहे, हमारी इलाके की शान है, हम क्यों उसकी इज्जत खराब करेंगे? 100 बार मीडिया ने मेरे से सवाल किया, मलिक साहब मेरे मुंह से उसके बारे में गलत नहीं निकला, दिल से कदर करता हूं, लेकिन लोग तो सवाल करेंगे, हमारे घर का मसला होगा, लोग सवाल करेंगे। और अगर आज तक यह लगता था कि हमें पहाड़ी रिजर्वेशन नहीं मिल सकती है, सपना है, मौजूदा सरकार बेवकूफ बना रही है, अब तो 100% पर कंफर्म हो गया, मिलना ही मिलना। अब चारों से अब कहां पे डार्कनेस में बात है जो उनको लगता है नहीं मिलेगी? और आपकी नॉलेज की बात मैं करूंगा, पुंछ रजौरी जो पहाड़ी कबीला है उसमें जो जितने भी तकरीबन वकला है, वकील लोग हैं, उनका कहना है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे साथ आना चाहिए। यार वो एक्सेप्ट कर रहे, वो ये बात मान रहे हैं कि भाई पहाड़ी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट रियासी को। और हमारे अगर अपने बंदे नेगेटिव कंपेयर करेंगे, दुख की बात वहां पे हो, अफसोस की बात वहां पे हो। आप अगर अपने इलाके को टटोल के देख लो, जितने भी गजेटेड ऑफिसर अगर 15 निकलेंगे वो सारे आरबीए में होंगे, सारे एसटी में होंगे, कोई एससी में होगा, ओपन में किसी ने सीट नहीं निकाली। और अगर ये रिजर्वेशन भी नहीं होती, इसका मतलब हमारे इलाके को कोई भी गजेटेड ऑफिसर नहीं। शेर सिंह जी थे, पूछो किस कैटेगरी से आए, मुजीब साहब है पूछो किस कैटेगरी से आए, रफीक जरान साहब है पूछो किस कैटेगरी से आए, चलाती सिंह है पूछो किस कैटेगरी से आए, जिद
जितने लेक्चरर ये पूछे किस कैटेगरी से आए थे, ओपन लाकर किसी ने सीट निकाली सामने आके बताई नहीं है किसी ने निकाली, और वो आरबीए भी 20% 10% कर दी और उस 10% में ऐसी कंडीशन लगाई थी आपको आरबीए बना के दिखाई नहीं कर सकती, बन ही नहीं सकती आरबीए, इम्पॉसिबल है आरबीए में जो ऐसी ऐसी कंडीशन लगाई गई है वो आरबीए हमें नहीं बनने वाली। अब एक ही सहारा है हमें रिजर्वेशन पहाड़ी मिले, हम एसटी भी नहीं करते, डायरेक्ट एसटी हम क्यों मांगे, हम क्यों लड़ाई कर पहाड़ी एसटी करके जो पूछे बेचारे को देगा हम भी लब्बैक कहेंगे, उनको अगर गुजरू के साथ मिलाते हैं हमें नहीं मिलाते, उनको अलग से देते हमें अलग से देते। अब मैं वही ताहिर भाई की बात करूंगा, मैं चाहता हूं कि यहां दरवाजे से बाहर जो निकले उसको पूरा नॉलेज हो कि हमने क्या करना है कैसे करना है इसके फायदे क्या है। देखो जितनी भी जॉब निकलती है स्टेट कैडर की जॉब में डिस्ट्रिक्ट रियासी से कोई बंदा सिलेक्ट होके निकला, अगर 100 बंदों में से 2 बंदे सिलेक्ट भी होते हैं उनकी एजुकेशन या दिल्ली में हुई होती है जम्मू में हुई होती है, तो यहाँ का गरीब किधर जाएगा,